नमस्ते। आज की कक्षा में हम लोग कबीरदास के पद पढ़ेंगे। बिना समय गवाए शुरू करते हैं कबीर के पद को। कबीर के पद हम तो एक एक कर जाना, दोई कहे तिन को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सर्वति अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गर्वाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कहे कबीर दीवाना। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि कबीर दास जी एकेश्वरवाद को मानने वाले कवि थे, एकेश्वरवाद को मानते थे वे। उनकी मान्यता थी कि ईश्वर एक है और उन्हीं की आराधना होनी चाहिए। उसी बात को यहां पर कबीर कहते हैं कि हम तो एक एक कर जाना, हम तो मात्र एक ही ईश्वर को जानते हैं। हम तो मात्र एक ही ईश्वर को जानते हैं। दो कहे तिनको दो जग जिन नाहिन पहचाना। कभी कहते हैं कि जिस किसी ने भी ईश्वर को नहीं पहचाना और वो ये कहे कि ईश्वर दो है तो गलत है। ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर को दो मानते हैं, कभी कहते हैं दो कहे तिन ही को दो जग, वो नरक में जाए दोजख में जाए। जो ईश्वर को दो मानते हैं, एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना। कभी कहते हैं हवा एक है, पानी एक है और हर प्राणी में समाहित ईश्वर की सत्ता एक है। एक पवन एक ही पानी एक ही जो एक ज्योति समाना। एक खाक ग्रह सब भाड़े, खाक मिट्टी, एक ही मिट्टी से सारे बर्तन का निर्माण किया गया है। यहां बर्तन का तात्पर्य है मानव शरीर से, और मिट्टी पंचतत्व से, क्षिति जल पावक गगन समीर। तो कवि कहते हैं कि एक खाक खाक ग्रह सब भाड़े, एक ही खाक से एक ही मिट्टी से सारे भाड़े यानी बर्तन का निर्माण किया गया है। बर्तन का तात्पर्य यहां शरीर से है ना।
एक है कोहरा साना, कोहरा अर्थात कुम्हार। एक ही कुम्हार ने सारे बर्तनों का निर्माण किया है, अर्थात एक ही ईश्वर ने सबका निर्माण किया है, सारे प्राणियों का निर्माण करने वाला बस एक ही ईश्वर है। एक बाढ़ काष्ठ ही काटे, एक ही बढ़ई है जिन्होंने काठ को का बाढ़ी का अर्थ होगा बढ़ई, कारपेंटर। काष्ठ ही काटे, काष्ठ यानी काठ लकड़ी, तो जैसे बाढ़ी काष्ठ की ही काटे, जिस तरह से बढ़ई लकड़ी को काटता है, किंतु अग्नि न काटे कोई, लेकिन अग्नि को कोई नहीं काट सकता। अग्नि अर्थात परम शक्ति, अग्नि अर्थात ईश्वर का बीज रूप, जिसे कोई काट नहीं सकता। जैसे बाढ़ काष्ठ की काष्ठ ही काटे, जिस तरह से बढ़ई काठ को काटता है लेकिन अग्नि को नहीं काटा जा सकता, ईश्वर की सत्ता को वैसे ही नकारा नहीं जा सकता है। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, हे ईश्वर, हे ईश्वर हर घट में, घट यानी शरीर आत्मा, हर आत्मा में तुम्हारा ही वास है। धरे स्वरूपे सोई, जो कि भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देता है, माया देख के जगत लुभाना, काहे नर गरवाना। और ये दुनिया के लोग माया के जाल में फंसकर गर्व कर रहे हैं। ये माया का जाल क्या है? तो धीपूत जमाई बेटा क्या बनजारन साथ न जावेगी, जब लाद चलेगा बंजर। मुट्ठी बांधे आए फकीरे, हाथ पसारे जाओगे। ये नाते रिश्ते अपने पराए, ये सारे दिखावे के, और लोग इस पर गर्व करते हैं। तो माया देख के जगत लुभाना, माया महाठगिने हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। ये माया बड़ा ही रोचक सा, लुभावना सा अपना रूप दिखाती है। तिरगुन फांस, रजगुण तमगुण और सतगुण, ये तीन फांसों को लेकर के ये घूमती रहती है, बड़े मधुर वाणी में बातें करती है। तो माया देख के जगत लुभाना, इस माया को देख करके धन दौलत रुपए पैसे नाते रिश्ते अपने पराए, इन सारे को देख करके लोग उसमें लुभा गए हैं, उसमें उलझ गए हैं। बहुत सुंदर पंक्ति है निराला जी का, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेंगे सारे गांव बंधु। इस सांसारिकता में फंस गए हैं लोग, जिसकी आवश्यकता नहीं है। कबीर ने बहुत सुंदर पंक्ति में कहा है, रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बुंद परे घुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है।
यह संसार झाड़ और झांखड़ बूंद परे बन जाना है। यह संसार झाड़ और झांखड़ आग लगे बढ़ जाना है, रहना नहीं देश भी रहना है। तो दुनिया क्षणभंगुर है ना। तो माया देख के जगत लुभाना, काहेर नर गरवाना। दुनिया के लोग माया मोह के जाल में फंसकर गर्व करते हैं। कभी कहते हैं ये गर्व करने की जरूरत नहीं है, काहे रे नर गर्वाना, तुम घमंड किस बात की करते हो, तुम गर्व किस बात की करते हो, तुम अहंकार अपने अंदर किस बात के पाल रखे हो। निर्भय भया कछु नहीं व्याप, कहा कबीर दीवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्याप, कहे कबीर दीवाना, हम तो एक एक कर जाना। कभी कहते हैं मैं इस माया के जाल से निर्भय हो गया हूं, छोड़ चुका हूं, मुझे अभी माया मोह अपने पराए नाते रिश्ते ये सब मुझे नहीं व्यापते, मैं उससे ऊपर उठ गया हूं, ऊपर उठ गया मैं दीवाना है ना। भक्ति के दीवाने कभी को मौज न मिला अमीरी में, फूक चला धन दौलत को और ढूंढी शांति फकीरी में। तो ऐसे ही फकीरी कबीर को पसंद है। आइए एक बार फिर से, कभी कहते हैं कि हम तो बस एक ही ईश्वर को मानते हैं, उन्हीं की सत्ता पूरे ब्रह्मांड में समाहित है। उन्हें ईश्वर ने एक कुम्हार की तरह हम सबों का निर्माण किया है। उन्हें ईश्वर ने हमारे अंदर परम अपनी परम शक्ति को हमारे अंदर प्रवाहित किया है। जो कुछ होता है उन्हीं परम ईश्वर के परम सत्ता के आदेश से होता है और वो ईश्वर एक ही है। जो भी व्यक्ति ईश्वर को दो मानते हैं वो दोजख में जाए, नरक का भागी बने। आदमी माया मोह के जाल में फंस करके दुनिया में लिपट करके, दुनिया में उलझ करके, लिपट करके नहीं उलझ करके रह जाता है। लेकिन मैं ऐसा दीवाना, भक्ति का एक ऐसा दीवाना कवि हूं जो माया मोह छल कपट फरेब नाते रिश्ते सबसे निर्भय हो गया हूं। इन सबों का भय अब मुझे नहीं है, मैं सबसे ऊपर हो गया हूं, मैं सबसे ऊपर हो गया हूं, मैं सबसे ऊपर हो गया। तो आशा है कि आपको कबीर का यह पहला पद समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा पद हम अगली कक्षा में उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।